गलती है ना, रख ले चुपचाप। आई एकवीरा देवी, बिछड़ों को मिला देना, इतनी दया करना बस। रानी बच्चा मेरा गुड़िया। रोना, आपने मेरी बेटी को सहारा दिया, भगवान हो मेरे लिए। मैं बच्चा कैसे पैदा करूंगी, मैं तो खुद ही बच्ची हूँ। वो गंगटोक में अधम नीच कुत्सित घृणित भीम उस दस्ती ने मेरा समस्त सुख छीन कर मुझे दरिद्र बना दिया। श्री सत्यवान मिश्रा के वंश को आगे ले जाने का उद्देश्य समाप्त हो गया। मुझे डर है अंकल कुछ ऐसा वैसा ना कर बैठे। चिंता मत करो तारिक, वो घर जाएंगे, शांत हो जाएंगे और अपनी पत्नी श्रीमती आशा रानी से अपनी पसंद का पकवान बनवाएंगे, खाएंगे, सो जाएंगे। मैं चैन से नहीं बैठूंगा जब तक उस विषैले पनीर का फन नहीं कुचल दूंगा जिसका नाम है हीप। मैं अपनी सैया पर विश्राम नहीं करूंगा जब तक उसकी रात की नींद और दिन का चैन ना उड़ा दूं जिसका नाम है हीप। मैं आशा रानी का पति, सारांश व्याख्या का पिता और श्रीमान कॉपरफील्ड का मित्र एवं श्री सत्यवान मिश्रा का पुत्र कहलाने के योग्य नहीं समझूंगा जब तक उस केचुए को रोन नहीं दूंगा जिसका नाम है। संक्षेप में कहा जाए तो मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक उस अपराधी को सलाखों के पीछे नहीं भिजवा दूंगा जिसका नाम है ही। ये हीप कौन है? आशा रानी जी, द्वार खोलिए। आशा रानी जी, हम स्वीकार करते हैं कि हमसे गंभीर अपराध हुआ है, आप हमें कुछ भी दंड दीजिए पर हमारा त्याग मत कीजिए। आशा रानी जी, आज अगर आप और बच्चों का मुखारविंद नहीं देखा था तो आप जीवन भर हमारा मुख नहीं देख पाएंगे। संक्षेप में कहा जाए तो हम अपने प्राण त्याग देंगे। आशा रानी जी, हम प्रयास नहीं कर रहे। आप हमारा मरा मुंह देखिएगा मिश्रा जी, जो दोबारा ऐसी बात अपने मुंह से निकाले तो। नाली का कीड़ा अपनी असली जगह पे आई क्या? कौन हो तुम? बताया नहीं उसने तुझे? हाँ, उसे फंसाया था तूने उसका पैसा देखकर। यहाँ पे सब धंधे वाले रहते हैं ना, तूने शुरू नहीं किया अब तक अपना? तेरे अमीर बनने के सपने तो तोड़कर चला गया ना तेरा प्रेम। कैसी औरत हो तुम, औरत होकर ऐसा बोल रही हो? काफी सुंदर है तू, बहुत कमाएगी। उस फिशरमैन ने भी तुझे इसीलिए पाला था क्या कि उसका यतीम खाना तेरी कमाई से चल सके? हाँ देखो, तुम मुझे चाहे कुछ भी कह लो लेकिन मेरे अंकल को गाली मत दो। तू और तेरा अंकल तो खुद अपने आप में गाली है शराफत के नाम पर। काश तू एक औरत ना होती, फैमिली मेरी बच्ची। तेरा अंकल आ गया है बच्चा, अब तुझे कोई नहीं सता सकता। मेरी बच्ची को इतने बड़े अनजाने शहर में छोड़ दिया उस जेम्स ने, और वो लिटिमर उसका नौकर,
उसने तो सारी हदें ही पार कर दी। तुमने तो मुझसे कहा था कि जेम्स के जाते ही वो वहां से निकल आया था, क्योंकि उसे डर था कि एमिली कुछ करना बैठे। नहीं, झूठ बोला था उसने आपसे छोटे मालिक, झूठ बोला था। यूं कहें कि गुमराह किया था। जेम्स के जाते ही उसने अपना रंग दिखा दिया। सर बड़ी मुश्किल में डाल गए हैं मुझे। क्या हुआ? दिल्ली नहीं गया वो? कहाँ गया है? क्या पता, पर हाँ अब वापस नहीं आने वाले। क्या बकरे हो तुम? सच्ची कह रहा हूँ मैडम, पर मुझे बड़ी मुश्किल ड्यूटी देगा। कह रहे हैं कि मैं आपको बसा लूं। बसा लूं मतलब? मतलब मैं आपसे शादी कर लूं। मैं आपसे बात कर रहा हूँ। छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? छोड़ो। ये मेरे मालिक का ऑर्डर है और मैं इसे पूरा करके रहूंगा, समझी? बता भी नहीं पा रही है मेरी बच्ची की उस जालिम ने कितने दिन भूखी प्यासी कमरे में बंद रखा, उससे शादी करने के लिए मजबूर करने की कोशिश की, पर एक दिन उसने हिम्मत की और वहां से भाग निकली। ब्रेव गर्ल, क्रैनी एमिली की तारीफ कर रही है। समझदार भी बहुत है मेरी बच्ची। उसकी कैद से भागने के बाद वो पास ही में कोलीवाड़ा पहुंची, वहां मछुआरों की बस्ती को कोलीवाड़ा कहते हैं। तो उन लोगों ने मदद की उसके? मदद? उधर एक फैमिली के साथ उसका बहुत प्यार था, बहुत भले लोग। उन्होंने एमिली को अपने पास रखा और खूब देखभाल की और गाड़ी में बैठा दिया, ये समझाकर कि उसे अपने घर जाना चाहिए। पर वो यहां घर पहुंची नहीं और गैंगटॉक में भटकती रही। पता नहीं कैसे सोच लिया उस पगली ने कि उसका अंकल कभी उसे माफ नहीं करेगा। और एक दिन अचानक हमारे गांव के टॉम ने उसे देख लिया, तब जाके हमें पता चला। तुम अच्छे हो डैन, इसलिए तुम्हारे साथ अच्छा हुआ और तुम्हारी बच्ची तुम्हें मिल गई। अब तुम उसे लेकर घर जाओ और उसका ख्याल रखो। हाँ। उसके जख्म भरने में अभी वक्त लगेगा। लेकिन एमिली घर नहीं जाना चाहती और हैम के सामने भी नहीं जाना चाहती। तो फिर आपने क्या सोचा है अंकल? उसे लेकर कहीं दूर चला जाऊंगा,
कहां जाऊंगा सोचा नहीं, लेकिन उससे पहले मैं लिटिमर को ढूंढूंगा, उससे मिलने के बाद ही गांव जाऊंगा। और एमिली जहां रह रही है वो जगह ठीक नहीं, उसके लिए भी ठिकाना ढूंढना होगा। डैन, तुम उस औरत के भाई हो जिसने मेरे ट्रॉट को मां बनकर पाला है, और ट्रॉट भी उसे मां से कम नहीं समझता। जब तक तुम लौट कर नहीं आते, तुम्हारी बच्ची यहां रहेगी हमारे पास। तुम मना नहीं करो, इसे मेरा ऑर्डर समझो। छोड़ो मुझे, छोड़ो, नहीं जाना मुझे, छोड़ो, कहां लेके जा रहे हो? Hey, please, please, Hip. Hey, Papa. Please, Hip. Hip. Agnes. Agnes. Agnes, मुझे नहीं जाना। और वही दुष्ट आकर स्वयं दरवाजा खोलेगा, और तुम ऐसे प्रकट करना जैसे तुम समझ चुकी हो कि वो जो कुछ भी कर रहा है तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा है। समझ रही हो ना बिटिया? चलो अभी तुम अंदर चलो। अच्छा अच्छा अच्छा, चल 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 चल, शाबाश, चल बेटा। हेलो, मैं इतनी समझदार तो नहीं हूं एमिली, पर मुझे लगता है तुम्हें अपने गांव जाना चाहिए। और जितना मैंने हैम के बारे में सुना है, मुझे यकीन है कि वो अभी भी खुशी खुशी तुमसे शादी करने को तैयार हो जाएगा। पर मैंने उसके साथ जो भी किया है ना, उसके बाद मैं उसके सामने भी नहीं जा सकती। भाभी भाभी भाभी, टूटू के सामने मुझे भाभी मत बुलाना, वरना उसका तो दिल ही टूट जाएगा। गुड़िया, अरे दादी, मैं इनके बचपन की एक एक बात जानती हूँ, टूटू ने मुझे सब बताया है। ग्रैनी, मुझे अभी नामची जाना होगा, अभी बस थोड़ी ही देर में। अचानक एकदम से? सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है ग्रैनी। मिश्रा अंकल का फोन आया था, विकफील्ड अंकल किसी मुसीबत में है। एग्नेस के पापा? हाँ, मिश्रा अंकल तो आपको भी साथ लाने को कह रहे थे, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने कह दिया कि ग्रैनी नहीं आ सकती। पर क्यों दादी, क्यों नहीं जाएंगे? गुड़िया, तुम्हें ऐसे हाल में छोड़ के मैं कैसे जाऊंगी? डोरा, तारिक भी जा रहा है मेरे साथ। पर एग्नेस ने तुम्हारी हर मुसीबत में मदद की है टूटू, मम्मा बुलाते हो ना तुम उसे। दादी आप जाएंगी, वरना गुड़िया आपसे बात नहीं करेगी। और एमिली है ना यहाँ मेरे साथ, और जीप भी तो है ना। श्रीमान, श्रीमती बेटसी ट्रैटवुड। ओह, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, मिस्टर कॉपरफील्ड भी आए हैं। मिस बेटसी, आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए ना प्लीज। मिस्टर कॉपरफील्ड, बैठिए। मिस्टर मिश्रा, आप एक दो चेयर यहाँ पर रखवा दीजिए। और हाँ, ये सब घर के लोग हैं, आप मिस विकफील्ड को इंटरकॉम पे इन्फॉर्म कर दीजिए कि मिस ट्रॉटवुड आई हैं। आप बहुत दिनों के बाद आई हैं मिस ट्रॉटवुड। देखिए ना, यहाँ कितना कुछ बदल गया है, ये ऑफिस, फर्म का नाम, बाहर लगी हुई नेम प्लेट, यहाँ तक कि आपका हम्बल सर्वेंट, छोटा मुंह बड़ी बात। सिर्फ लगता ही है मिस्टर हिप कि आदमी बदल गया, वरना आदमी के बेसिक तो कम ही बदलते हैं। आपने वाकई दुनिया देखी है मैडम,
देखिए ना, मेरे स्टेटस में इतना बदलाव आ गया है, लेकिन मैं आज भी उतना ही हम्बल और विनम्र हूं जितना पहले था। मुझमें जरा भी घमंड नहीं आया है। ऐसी कोई वजह भी नहीं है हीप जो तुम्हें घमंड आए। मेरे लिए आपके मुंह से हमेशा मिठास भरे ही शब्द निकलते हैं मिस्टर कॉपर। आप जैसे दोस्तों के लिए मेरे पास शब्दों से आगे भी बहुत कुछ होता है। मुझसे बेहतर ये बात कौन जान सकता है। आप बिजी तो नहीं थे मिस्टर हीप? हमने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? इनके सामने काम की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। मैंने आपको पहचाना नहीं। आप ही के बिरादरी के हैं मिस्टर हीप, मिस्टर तारिक। गैंगटॉक हाईकोर्ट में वकालत करते। ओह, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मिस्टर तारिक। अनवर, अनवर, वैसे मैं हाईकोर्ट जाता रहता हूँ अपने पार्टनर मिस्टर विकफील्ड के साथ। कभी मुलाकात नहीं हुई आपसे। मेरे पार्टनर मिस्टर विकफील्ड बहुत ही काबिल वकील रहे हैं। अब वो इतने एक्टिव नहीं रहे, बट ही इज अ वंडरफुल पर्सन। पता नहीं आपकी उनसे जान पहचान है या नहीं। मिस्टर विकफील्ड से मेरी पहचान होती मिस्टर हीप, तो मैं आपकी सेवा में बहुत पहले हाजिर हो गया होता। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है, मैं उनको अपना गुरु मानता हूं। मैं मिलना चाहूंगा उनसे। कहां है वो? लीजिए, मिस विकफील्ड भी आ गई। थैंक्स मिस्टर मिश्रा, अब आप जा सकते हैं। मिस्टर मिश्रा, आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा? बधिर नहीं हूं श्रीमान। तो फिर आप खड़े क्यों हैं? क्या आप मंदबुद्धि हैं? जो ये ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं कि ये बुद्धिमान मिश्रा आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। मैं जानता था मिश्रा कि मैं एक बेकार और निकम्मे आदमी को पाल रहा हूं। तुम्हारे साथ मुझे क्या करना है ये मैं बाद में सोचूंगा। फिलहाल अभी के लिए तुम अपनी ये सूरत मेरे सामने से हटा दो। मैं भी आपके मुख का दर्शन कदापि नहीं करना चाहता, परंतु मेरे कर्तव्य की मांग है कि मैं कुछ समय तक और यहां पर रहूं। संक्षेप में आपको बता दूं कि मैं यहां से कहीं जाने वाला नहीं। ओह, अब समझा। तो ये एक सोची समझी चाल है। मेरे खिलाफ साजिश रचने के लिए तुम सब यहां एक साथ इकट्ठा हुए हो। तुम सब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आखिर तुम लोग चीज क्या हो इस हीप के साथ? छोटा अंकल, देख रहे हैं आप क्रिकेट किस तरह अपना रंग बदल रहा है? मुझे लगता है कि अब वो वक्त आ गया है कि इसे इसकी औकात दिखा दी जाए। ओ अंकल, मैं जानता हूं कि तुमने इस मिश्रा को खरीद लिया है। अब तुमने इससे अपना रिश्ता भी जोड़ लिया। रिश्ता आज से नहीं है मिस्टर हीप, बरसों पुराना। पछताएगा तुम्हारा यंग। मिस विकफील्ड, क्या आप भी इसमें शामिल थी? अब तक तो नहीं थी मिस्टर हीप, पर आपने मेरे पापा के साथ जो कुछ भी किया है उसके बाद आप मुझसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? तुम जानते हो ना मिस्टर मिश्रा, मैं तुम्हारे साथ क्या कुछ कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ और उसके लिए मैं तैयार भी। तुमने ये कैसे सोच लिया मिस्टर हीप कि मिश्रा अंकल जैसे शख्स का जमीर तुम खरीद सकते हो? तुम मिस्टर तारिक इस मामले में टांग अड़ाने वाले कौन होते हो और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत प्रदान किए गए अधिकार के फलस्वरूप ये यहाँ पर उपस्थित हैं। संक्षेप में कहा जाए तो मैं मिस्टर विकफील्ड का वकील हूँ मिस्टर हीप। कहो तो उनका साइन किया हुआ वकालतनामा दिखाऊं। उस शराबी को कहाँ पता चलता है कि वो कहाँ साइन कर रहा है? ठीक कह रहे हो हीप, नशे की हालत में मिस्टर विकफील्ड के साइन तो वाकई लिए गए। कब, किसने, किस इरादे से लिए, सब सामने आ जाएगा। काफी रिसर्च की है मिश्रा अंकल ने।
कौन इस जोकर ने? ये मेरी खोज का छोटा सा भाग है श्रीमान। छोटा सा भाग? मिस्टर मिश्रा प्लीज इसे जरा संक्षेप में बता दीजिए। आपकी आज्ञा सिरोधार्य माता जी। संक्षेप में कहा जाए तो हीप नाम के इस जघन्य अपराधी के विरुद्ध मेरा प्रथम आरोप, इसने अपने अन्नदाता स्वामी की दुखद परिस्थितियों और कारुणिक मनोदशा का लाभ उठाते हुए उनको मद्यपान का आदि बनाकर उनके विवेक उनकी बुद्धि को विधिवत छीन किया एवं अनेक आलेखों पर धोखे से हस्ताक्षर करवाए। झूठ झूठ है ये, झूठ है। अब यदि तूने मेरे निकट आने का प्रयत्न किया दुष्ट, तो मैं इस मस्तक के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा जिसके भीतर एक शैतानी मस्तिष्क षड्यंत्र रचता रहता है। संक्षेप में कहा जाए तो तेरा सर फोड़ दूंगा मैं। एक कागज जो तुम्हारे पास है अपने इन कर कमलों से मेरे इन तुझ हाथों में दे दो। आशा रानी जी ने यदि हमारा साहस नहीं बढ़ाया होता ना माता जी, तो आज हम ये नहीं कर पाते जो करके आए हैं। मुझे तो खुशी इस बात की है कि एग्नेस और सेंटिनल को इस नाक से मुक्त। भाई का बहन पर कभी कोई एहसान नहीं होता। माँ बाबू जी कहते हैं कि डेविड कॉपरफील्ड ही हमारे बेस्ट फ्रेंड है।